इनके डिविजन्स किए जाते हैं या ट्रीटमेंट के लिए आप इनको कैसे देखते हो, तो वैसे ही यहाँ पे इसको भी देखा जाता है। मेल्स में लगाते समय SI3 लेफ्ट में लगेगा, फीमेल्स में लगाते समय SI3 राइट में लगेगा। जो इनके कपल पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड आ जाएंगे, बराबर है। मेल्स में लगाते समय पे यहाँ पे DU3 लिखा है, मतलब गवर्निंग वेसल 3, DU3 पे ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे K3 पे भी ट्रीटमेंट करते हैं, UB23 पे भी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। DU3 के सामने एक छोटा सा मार्क दिख रहा है यहाँ पे आपको, ना ये अपगोइंग एरो है ना डाउनगोइंग एरो है, ये बोथ साइड जा रहा है, राइट। व्हाट इट्स मींस, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये आपका इक्वल मेथड है ना, ना यहाँ पे मिसिंग है, थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है। बहुत सुंदर है ये चीज, एक्यूप्रेशर जो है ना बहुत सुंदर है, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी चीज होनी चाहिए, किसी भी चीज को बेहतर से बेहतर करना है तो उसके लिए थोड़ी सी सनक होनी जरूरी है। सनक मीन्स व्हाट, अ लिटिल मैडनेस, 24/7 सिर्फ दिमाग में वही चीज होनी चाहिए। आप जब तक किसी सब्जेक्ट के लिए थोड़े मैड नहीं होंगे, थोड़ी सनक नहीं आएगी, तब तक ही नहीं होगा। हम बड़े बड़े साइंटिस्ट को देखते हैं, बराबर है, उनको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि ये पागल है, लेकिन ऐसे पागल लोग ही कुछ कर जाते हैं। तो थोड़ा सा सनक रहेगी तो ही होगा, अदरवाइज सिर्फ सैटरडे संडे हम क्लास में इस मॉनिटर्स के सामने हम बैठेंगे, हम कुछ शब्दों को सुनेंगे, कुछ शब्दों को भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेंगे, कुछ अगला एक हफ्ते का समय होता है, अगला हफ्ते आता आता तो हम सब्जेक्ट कौन सा ट्रिटाइज पढ़ रहे हैं हम ये भूल चुके होते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, बहुत मेहनत से ये चीजें आप कुछ साथियों को, उसमें भी शायद अभी ये होगा कि गवर्निंग वेसल क्या है, व्हाट इज अ गवर्निंग वेसल। सो सी, आपके सामने यहाँ पे एक इमेज है स्क्रीन पे, आप अपने बुक में भी देख सकते हो, पेज नंबर 78 पे गवर्निंग वेसल दिख रही है आपको। ये शुरू कहाँ से हो रही है, ये आपके गुदा द्वार के पास से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है। गवर्निंग वेसल, मैं SI3 UB62 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं धूमों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं गवर्निंग वेसल के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारी 14 मेरिडियंस में से होती है। सो इट्स स्टार्ट फ्रॉम गवर्निंग वेसल 1। गवर्निंग वेसल 1 कहाँ पे होता है, ये हमारे एनसोल के पास से, हमारे गुदा द्वार के पास से शुरू होता है। गुदा द्वार के ठीक ऊपर हमारे स्पाइन का सबसे आखिरी छोर होता है, जिसे आप कोसेक्स का आखिरी हिस्सा कहते हैं, टेलबोन कहते हैं, बराबर है। रेवोल्यूशन में हमारी पूंछ हट गई पीछे से, बराबर है ना, बंदर से इंसान बन गए हम, और वो बनते बनते जिन चीजों का इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया, वो चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर से गायब हो गई। ठीक उसी तरह यहाँ पे स्टडीज के बारे में भी होता है, आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इतने सालों में मैंने यही देखा है, एक्यूप्रेशर आप एक हफ्ता आप उसके बारे में मत सोचो, आफ्टर 1 वीक आप सेम पेपर लेके बैठोगे स्टडी करने, और सब कुछ वॉश आउट हो चुका होगा, कुछ याद नहीं होगा, राइट। तो अगर इतनी दूर आए हैं, 4 सेमेस्टर तक आए हैं, हम कर रहे हैं, भले उम्र कुछ भी हो हमारी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 1 घंटा दिन का दे सकते हैं, और वो 1 घंटा उस सनक वाला होना चाहिए, वो 1 घंटा, बाकी कुछ नहीं। आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट, आप उसके बाद देखोगे कि आप दिन भर में आप चलते फिरते, उठते बैठते, लोगों से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, ये तो बड़ी मुश्किल से आज तक समय मिलता ही नहीं है टीवी का, लेकिन कभी भी आप किसी के वीडियोस भी देख रहे हो, किसी को बात करते भी देख रहे हो, तो भले वो व्यक्ति बहुत दूर बैठा है आपसे, आप बैठे बैठे डायग्नोसिस स्टार्ट कर देते हो, चेहरा कैसा दिख रहा है, नाक कैसे दिख रहे हैं, हाव भाव कैसे हैं, रंग क्या है, बाल कैसे हैं, कहाँ पे, तो ये सारी चीजें आप बैठे बैठे डायग्नोसिस शुरू कर देते हो। दिस इज योर स्टडी, ये ऑटोमेटिकली 24/7 होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा सनक चाहिए इसके लिए, बस दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम, प्लीज कम टू पेज नंबर 88, 88 पे आ जाइए, वहां पे आपको
गवर्निंग वेसल पूरी तरह से कैसे कहाँ से शुरू होती है ये दिखेगा, जिन मित्रों को हमारे अब तक नहीं पता है गवर्निंग वेसल कैसे जाते हैं। हम फिर से वापस आएंगे यहाँ पे, पहले गवर्निंग वेसल समझ लेगा। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम बाहरी रूप्स पे, ये इस तरह से दिखता है बाहरी रूप पे, ये आपको इस तरह से दिखेगा जैसा अभी स्क्रीन पे है। तो दूमो, दूमो कहाँ से स्टार्ट होती है, कंसेप्शनल सेल वेन से, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और आपके एनस होल, हमारे जननांगों और हमारे गुदा द्वार के बीच से कंसेप्शनल वेसल वन शुरुआत होती है, हमारे एनस होल्स के तुरंत पीछे की तरफ। यहाँ पे होता है गवर्निंग वेसल वन, ठीक है, गुदा द्वार के तुरंत पीछे गवर्निंग वेसल वन यहाँ से शुरू होता है। और इसको जब हम बोन स्ट्रक्चर्स पे देखेंगे, शरीर के हड्डियों के स्ट्रक्चर पे देखेंगे, कोई भी पॉइंट्स देख रहे हैं आप, कोई भी मेरिडियंस देख रहे हैं, उसका बोन स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये इमेज मिलती है आपको पेज नंबर 88 पे, ध्यान से देखिए इसे, किस तरह से ये आपके स्पाइन पर से जाता है, स्पाइन्स के बोन्स पर से जाता है। इसका कैलकुलेशन ही आप जब हाथों पे भी इसको ट्रीटमेंट को एप्लीकेशन करते हैं, अब ब्यूल मेरिडियंस पे भी जब इनको एप्लीकेशन करते हैं, तो उस समय पे इन स्पाइन के बीच के गैप्स को जानते हुए हम एप्लीकेशन करते हैं। और ठीक इसी तरह से आपके हाथों में आपको बनावट मिलेगी, आपका जिमी जब वहां से रोल हुआ, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी वर्टिब्रा ओवर देयर, एक एक वर्टिब्रा आपको वहां पे मिलता है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये टेलबोन के पास स्थित है, तुरंत इसके नीचे की तरफ क्या होता है, गुदा द्वार होता है हमारा। तो गुदा द्वार से तुरंत ऊपर की तरफ टेलबोन पे आपका गवर्निंग वेसल वन है, यहां से ये मेरिडियन शुरू होती है, यहां से ये मेरिडियन शुरू होती है और पूरे स्पाइन पे होते हुए, पूरे स्पाइन पर से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है गवर्निंग वेसल 14 पे। यहाँ पे आपका स्पाइन का थोरासिक का एरिया खत्म होता है। गवर्निंग वेसल 16 पे आपका कंसेप्शनल वेसल, सॉरी आपकी सर्वाइकल आपके जो स्मॉल ब्रेन है उससे कनेक्ट होता है, बैक साइड ऑफ द हेड, ठीक है, बराबर स्पाइन पर से होता हुआ जाता है, शरीर के ठीक बीचों बीच होते जा रहा है। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इन सारे पॉइंट्स का विवेचन अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है गवर्निंग वेसल तीन चीजों में यूज होता है, तो पागलपन है, तो ये यहाँ पे होना जरूरी है। जब भी आप एक्यूब रेशियो की पढ़ाई कर रहे हैं तो एक पागलपन होना यहाँ पे जरूरी है, उसके सिवा नहीं हो पाएगा, अदरवाइज वी आर जस्ट स्टडी। ठीक है, आज हम स्मार्ट स्टडीज कर रहे हैं अपने अपने घर पे बैठ के, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वाईफाई, विद द हेल्प ऑफ ये जो छोटे बड़े स्क्रीन्स हैं, ये हमें स्मार्ट स्टडी देते हैं या हमें स्मार्ट बनाते हैं? बींग स्मार्ट इज अ डिफरेंट थिंग, और बुद्धिमान बनना अलग चीज है। तो हम थोड़ा बुद्धिमान बनेंगे, जो हमारे गुरु हमें दे के गए हैं उन चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, ताकि ये आसान हो। ठीक है, अब स्पेसिफिकली देखिए ये ट्रीटमेंट्स मैंने एक बार देखी थी, जो फीमेल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे हम, कि जब भी फीमेल्स में आप ट्रीटमेंट करेंगे गवर्निंग वेसल की, उस समय पे आप वहां पे कंसेप्शनल वेसल की भी ट्रीटमेंट करेंगे। सो व्हेनेवर आप वहां पे दूमो को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो रेनमो पे को भी करेंगे। ये ट्रीटमेंट मैंने देखी थी खेमका सर को देते हुए, एक फीमेल पेशेंट थी जिनको गर्भ रुकता नहीं था, गर्भ रुकता नहीं था, मैंने फीडबैक के समय पे उनको देखा था, राइट, करीब करीब 6 बार उनका मिसकैरेज हो चुका था, सारे डॉक्टरों ने हाथ छोड़ दिए थे, और अनफॉर्चुनेटली जिस समय पे वहां पे मिलने के लिए आई थी वहीं पे थे हम लोग, सर के साथ ही थे, बैठे थे, देख रहे थे, पेशेंट सर कर रहे थे, हम बैठ के देख रहे थे किसको क्या ट्रीटमेंट दी जा रही है, कैसे है। सो उनके केस पेपर पे सिर्फ ये 4 पॉइंट थे, सिर्फ ये 4 पॉइंट थे, अलॉन्ग विथ CV1 एंड गवर्निंग वेसल 3, इसमें सिर्फ CV1 यहाँ पे मिसिंग है। तो सिर्फ इस इसके साथ गर्भाशय रोक कर रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब ऐसा सर ने उस समय पे बताया था कि
ये क्यों दिया गया है या ये क्यों फीमेल्स में यूज करना है, फीमेल्स में और मेल्स में, ठीक है। एक मूलभूत, एक पैदाइशी, एक डिफरेंस है हमें, जो भी स्त्री रोग है इन सभी में ये दो पॉइंट सबसे जरूरी है। और जब भी आप गवर्निंग वेसल लगा रहे हैं, SI3UB62 पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस समय पे बिना भूले LU7K6 वहां पे ऐड होना ही चाहिए। ये कम से कम 10 बार रिपीट इसलिए किया ताकि भूले नहीं आपको, वापस किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़े। जब भी कोई फीमेल पेशेंट सामने आया, आपने SI3UB62 सिलेक्ट किया लगाने के लिए, ऑटोमेटिकली LU7K6 लगना चाहिए। एंड व्हेनेवर यू आर ट्रीटिंग LU7K6 कंसेप्शनल वेसल के ट्रीटमेंट किसी भी महिला को दे रहे हैं, गवर्निंग वेसल भी उसमें ऐड करनी है। 101% उससे भी रिलेटेड इश्यूज होंगे ही होंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। दिस इज अ डायग्नोसिस, सिंपल सा है। अब हमें भले उसके बारे में पता हो नहीं हो, पेशेंट बताए नहीं बताए, अब जैसे ही एप्लीकेशन करते हो, व्हेन आवर पेशेंट इज कमिंग नेक्स्ट टाइम टू यू, आपके पास अगली बार जब भी आते हैं विजिट के लिए, पेशेंट आपको सामने से बताएगा, अरे मेरा ये भी प्रॉब्लम था, मैंने आपको बताया नहीं था, मुझको इसमें भी आराम मिला है, राइट। सो उसको याद रखिएगा। अब किन किन चीजों पर यह होता है स्पेसिफिकली, हमने देखा कि इसका पाथवे क्या है, इसका पाथवे क्या है, इसका पाथवे है आपका स्पाइन, मतलब शरीर के बैक साइड में बराबर बीचों बीच होता हुआ, सर पर से होता हुआ, दोनों आंखों के बीच से, नाक से होता हुआ, ओठों से अंदर की तरफ जाके ये खत्म होता है। तो ये पूरा क्या है, इसका ट्रैक हो गया, ये इसका पूरा ट्रैक हो गया। इस पूरे ट्रैक पे आने वाली किसी भी बीमारी के लिए, इस पूरे ट्रैक पे आने वाली, इस पूरे पाथवे पे आने वाली, इस पूरे ऊर्जा प्रवाह पे होने वाली किसी भी समस्या के लिए आप इन दो पॉइंट्स का चयन कर सकते हो। वो सर्वाइकल में हो, वो थोरासिक में हो, वो डायफ्राम के ऊपर है, डायफ्राम के नीचे है, लंबर में है, कोसेक्स में है, टेलबोन तक है, एनस होल तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम CV1 ऑल्सो, स्टार्टिंग पॉइंट CV1 भी कहा है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए आपके, जेनेटिकल ऑर्गन से रिलेटेड भी कोई इशू होगा वो भी यहाँ पे ट्रीट होगा। जेनेटिकल ऑर्गन्स मतलब आपके प्रजनन अंग जो है उनसे संबंधित भी हो।